तो गाइज हम चैप्टर नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 7 पे आ गए हैं। तो पैराग्राफ नंबर हम 7 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इंडिकेट ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर कम आउट अबाउट 6 PM विद एन एम्बिगुअस साइलेंस। द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। देन कम अ ग्रोइंग रॉड एंड एन इनरोम्स कुल्ड टूवर्ड्स आफ्टर ऑफ द ship with horned in realized that it was not a cold but a wake like another I had even screen it appears peacefully vertical and almost twice the height of the other waves with the frightful break crest। लगभग 6 बजे और अगली मुसीबत का संकेत आया। अनिष्टा सूचना सतबंधक बद्धता के साथ हवा रुक गई और आकाश अचानक काला हो गया। फिर तेज होता हुआ शोर सुनाई देने लगा और नाव के पीछे एक बड़ा सा बादल मीनार की तरह खड़ा हो गया। यह जानकर मैं डर गया कि यह बादल नहीं था बल्कि लहर थी, इस तरह की जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बिल्कुल मलमबत्ती थी और दूसरे लहरों की अपेक्षा दुगनी ऊंची थी और यह टूटते हुए भयानक पर्वत शिखर जैसी थी। लगभग 6 बजे घोर आगमी मुसीबत का संकेत आया। अनिष्ठा सूचित संबंधता के साथ हवा रुक गई और आकाश अचानक काला हो गया। फिर तेज होता हुआ शोर सुनाई देने लगा और नाव के पीछे एक बड़ा सा बादल मीनार की तरह खड़ा हो गया। यहाँ जानकर मैं डर गया कि यह बादल नहीं था बल्कि लहर की इस तरह की जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बिल्कुल लंबवती थी और उसकी लहरों की अपेक्षा दुगनी ऊंची थी और यह टूटते हुए भयानक पर्वत शिखर जैसी थी। तो हमारा पैराग्राफ नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 8 हम शुरू करेंगे।